उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर चल रहे विवाद को लेकर स्वर्गीय गुलाबनाथ के परिजन क्षिप्रा नदी में जल सत्याग्रह करने पहुंचे थे। करीब 4 घंटे बाद एसडीएम और एडिशनल एसपी ने पुलिस की मदद से सत्याग्रह कर रहे परिजनों को समझाइश देकर बाहर निकाला। वहीं पूरा मामला कोर्ट में होने के चलते कोर्ट फैसले के बाद ही सुलझने की संभावना है। सत्याग्रह कर रहे परिजन पर पुलिस ने बच्चे की तबीयत खराब होने पर प्रकरण दर्ज किया है। थाना जिवाजीगंज के अंतर्गत एक ऋण मुक्तेश्वर धार्मिक स्थल है। ये पारंपरिक नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। उस संप्रदाय की परंपरा के अनुसार वहाँ गुरु शिष्य परंपरा है और उसी में कुछ विवाद अभी चल रहा है और ये पूरा जो मामला है वो बेसिकली अभी कोर्ट में चल रहा है। और उसमें एक पार्टी के द्वारा एक पानी जो छिपरा नदी है उसके किनारे अपने आप को एक मैं परिवार के छिपरा नदी में पहुँच गए थे, लेकिन ये जो पूरा मामला उस स्थान से जुड़ा हुआ है और कोर्ट में चल रहा है। इसमें 2 केस चल रहे हैं, एक तो जो हमारा एसडीएम कोर्ट है उसमें चल रहा है, दूसरा एक इसमें सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। तो जो निर्णय आएगा उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।